स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने फिट इंडिया फ्रीडम 2 या उपक्रमाचं आयोजन केलं आहे। केंद्रीय युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या उपस्थितीत आज नवी दिल्लीत मेजर ध्यानचंद नॅशनल स्टेडियमवरून या उपक्रमाला प्रारंभ झाला। प्रत्येकाने या देशव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम दौडमध्ये भाग घेऊन त्याची जनचळवळ करावी असं आवाहन अनुराग ठाकूर यांनी यावेळी केलं। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसको मनाने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ने देश के कोने कोने में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की आज लॉन्च की है। 75 ऐसे आइकॉनिक लोकेशंस पर आज इसको लॉन्च किया गया है। 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक इसको चलाया जाएगा। देश के 744 जिलों के हर जिले के 75 गांव में, हर गांव के 75 युवा कम से कम इसमें भागेंगे और वो 75 युवा फिर बाद में हर परिवार तक पहुंचेंगे कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज इस मूल मंत्र को लेकर जाएंगे, ताकि अमृत महोत्सव के समय जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है, न्यू इंडिया फिट इंडिया, नया भारत, सशक्त भारत, स्वस्थ भारत, इसको लेकर हमें जाना है और इस संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएंगे और जन भागीदारी के कारण इसको जन आंदोलन भी बनाएंगे। जन आंदोलन फिटनेस का रहेगा, ताकि देश की युवा पीढ़ी फिट हो। एक और जहां पोषण अभियान के माध्यम से कुपोषण मुक्त भारत बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 में लोगों से आह्वान कर रहे हैं, संस्थाओं से आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए व्यक्तिगत रूप से लोगों को जोड़कर अपनी मनपसंद जगह पर, मनपसंद खेल खेलने पर या मनपसंद कुछ भी कार्यक्रम में जुड़ के आप अपने मनपसंद समय पर ही रोज फिटनेस का डोज आधा घंटा लीजिए, ताकि आप स्वस्थ रह सकें, बाकियों को भी जागरूक कर सके और इसको करके आप अपलोड कीजिए फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 में। हमें प्रसन्नता है कि देश भर में युवाओं में बहुत जोश है, वो खुद भी फिट रहना चाहते हैं, देश के लोगों में जागरूकता भी फैलाना चाहते हैं, आजादी के अमृत महोत्सव में जुड़ना भी चाहते हैं। देशभरात 744 जिल्ह्यांमध्ये आणि प्रत्येक जिल्ह्यातील 75 गावांमध्ये 2 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत। आज देशभरातल्या विविध 75 ऐतिहासिक स्थळांवर बहुविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे। देशातील महत्त्वाच्या 10 स्थानांमध्ये राष्ट्रीय प्रारंभात मुंबईत गेटवे ऑफ इंडिया इथं एनएसजीचे 36 कमांडो आभासी पद्धतीनं सहभागी झाले। तसंच अलाहाबादच्या आझाद पार्कमधील सीआरपीएफ, पोर्ट ब्लेअरच्या सेल्युलर जेल इथून सीआयएसएफ, हिमाचल प्रदेशातील लाहौल स्पिती इथून आयटीबीपी, आसाममधील तेजपूर येथील सीमा सुरक्षा बल, भारत पाकिस्तानमधील अटारी येथील सीमेवर बीएसएफ, झांसी रेल्वे स्थानक यांचा सखील समावेश होता। नेहरू युवा केंद्र संघटन लेह आणि चेन्नई इथून सहभागी होत आहे। फिट इंडिया फ्रीडम दौड या उपक्रमाद्वारे देशभरातल्या 30,000 शैक्षणिक संस्थांचा यामध्ये सहभाग आहे, तर 7.5 कोटी युवक आणि नागरिक या फ्रीडम दौडमध्ये भाग घेत आहेत। लठ्ठपणा, आळस, तणाव, चिंता आणि रोगांपासून मुक्तता मिळवण्यासाठी नागरिक या धावण्याच्या मोहिमेत प्रत्यक्ष किंवा दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी होऊ शकतात। यासाठीची नोंदणी फिट इंडियाच्या संकेतस्थळावर आजपासून सुरू झाली आहे। हिस्सा लेने का संकल्प लेता हूं। मैं स्वयं को फिट और स्वस्थ रखने के साथ ही अपने परिवार, मित्रों एवं समुदाय को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा सबल एवं समर्थ राष्ट्र तथा सक्रिय एवं स्वावलंबी समाज के निर्माण हेतु मैं अपने जीवन में रोजाना 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि को शामिल करने का संकल्प लेता हूं।